దర్పణ దృశ్యమానమిదీకూల్యం నగాంతర్గత పశ్యన్నాత్మని మాయాభూతం యత్సాక్షాత్కృతే ప్రబోధసమే స్వాత్మానమేవాద్వయం తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమిదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే. శిక్షా సర్వాగమానాం నిఖిలజనమనఃపావన కాపి దీక్షా స్వస్థా సర్వాత్మదృష్టిర్ నిరవధికరుణా వాత్సల్యవృష్టి నిష్టా బ్రహ్మాత్మ విద్యాద్యుతి దళితమస్తోమ విద్వన్మణీనాం శ్రీపూర్ణానందతీర్థో జగతి విజేతే సత్ప్రతిష్టాయతీనాం పార్థాయ ప్రతిబోధితాం భగవతా నారాయణేన స్వయం వ్యాసేన గ్రథితాం పురాణమునినా మధ్యే మహాభారతం అద్వైతామృతవర్షిణీ భగవతీ అష్టాదశాధ్యాయినీ అంబత్వామనుసందధామి భగవద్గీతే భవద్వేషిణీ. और वासनाएं रहती हैं भीतर, तो सुख दुख बाहर नहीं रहता है, जहां वासनाएं रहती हैं वहां रहती है। और ये वासना और अर्थ का जो समागम है ये होता है दो तरफ से, या तो हम बाहर से क्रिया करें या तो बुद्धि से समर्थन करें। तो बुद्धि में धर्म रहता है और मन में वासना रहती है, शरीर में क्रिया रहते हैं और बाहर वस्तुएं रहते हैं। बाहर चीजें हैं, शरीर में क्रिया है, मन में वासना है और बुद्धि में उचित अनुचित हित अहित का विवेक है। तो नियंत्रण की जो शक्ति है ना, ब्रेक लगाने की जो ताकत है, वो बुद्धि में रहनी चाहिए कि हम ये चीज छुएं ये न छुएं। और दूसरे का पैसा है, घड़ी है, कलम है, वो बढ़िया होने पर भी हम उसको ना उठाएं, ये होना चाहिए जीवन में, जरूरी है कि नहीं? एक बार हम एक ब्रह्मचारी के साथ मथुरा के हॉस्पिटल में गए थे। डॉक्टर कक्कड़ वहां का सिविल सर्जन था उस समय, उनको अपना कान वान में कुछ दिखाना था। तो हमारे ब्रह्मचारी जी जब कुर्सी पर बैठे उसके साथ, तो उसकी जितनी चिट्ठियां थी सब खोल खोल के पढ़ने लगे। तो बेचारा है ना, बोले तो कुछ नहीं, पर मेरी ओर देखे बारंबार कि ये कैसे आदमी है। तो ये नहीं कि मन में कुछ आया और वही कर बैठे, बुद्धि सोचे कि ऐसा करना उचित है कि अनुचित है, ना फिर मन में आने पर भी हाथ से उस काम को ना करें और बुद्धि से समर्थन ना करें। ये जो जीवन की मोटर चल रही है, इसमें ब्रेक लगाने की जो शक्ति है धृति, वो धृति बुद्धि के साथ रहती है। बुद्धेर वेदम धृतेश्चैव त्रिविधम गुणतः शरणो। गीता में ये प्रसंग आया आगे कि बुद्धि और धृति में क्या फर्क है। बुद्धि माने समझ और धृति माने रोकने की शक्ति, और जब दोनों वृत्तियां एक में मिलती हैं तब उसका नाम धर्म हो जाता है। ये हमारे अंतःकरण की वृत्ति है। वो समझ के अनुसार यदि धृति रहे, ठीक ठीक उचित अनुचित हित अहित समझे, और ये करना कि नहीं करना, ये खाना कि नहीं खाना,
ये रखना कि नहीं रखना, ये बोलना कि नहीं बोलना, समझ के उसके खिलाफ अपने इंद्रियों को काम न करने दें। और मुक्ति का निवास आत्मा में है, धर्म मुक्ति का निवास आत्मा में, मुक्ति और आत्मा एक, और बुद्धि और धर्म एक, मन और वासना एक, शरीर और क्रिया एक, और बाहर की वस्तुएं और अर्थ धन ये एक। तो थोड़ा सा विवेक तो जीवन में चाहिए, विवेकहीन जीवन तो पशु से बदतर है, पशु नहीं पशु से बदतर है। क्योंकि तो ये गाय घास जब चरती है ना गाय, तो जिस घास पर उसकी मूत या गोबर का गंध आती है उसको सूंघ के छोड़ देती है। वो भले मनुष्य का मल खा जाए लेकिन जहां उसका मूत्र और गोबर होता है उस घास को उस भूसे को गाय नहीं खाती है। तो रहना चाहिए नियंत्रण। अब सबसे बुरी बात जो अपने जीवन में हुई है ना, वो ये हुई है कि बिना सोचे समझे हमारे जीवन में कुछ आदतें आ गई हैं। हमने सोच सोच के उनको अपने जीवन में धारण नहीं किया, बिना सोचे समझे कब कुछ संग से आ गई, कुछ नकल से आ गई, कुछ बेवकूफी से आ गई, कुछ संस्कार से आ गई, कुछ ऐसी आदतें हमारे जीवन में आ गई हैं कि हम परवश हो गए हैं, पराधीन हो गए हैं। तो विकार को छुड़ाने के लिए संस्कार चाहिए। वो संस्कार कैसे पड़ता है उसके लिए थोड़ा नया अभ्यास करना चाहिए। वो भी जिसके लिए जैसा आवश्यक है वैसा चाहिए हो। ज्ञान चाहिए हो आपको तो सत्संग कीजिए, और ध्यान चाहिए हो तो एकांत में रहिए, और नारायण यदि जीवन में प्रेम चाहिए है तो बड़े से बड़ा संकट झेलने के लिए तैयार रहे। जो प्रेम संकट में नहीं रहता है, अपने जीवन में नहीं टिकता है, वो टूट जाता है। थोड़ा सा अभ्यास अपना बदलना चाहिए। तो बिना विचार के जो विकार के अभ्यास जीवन में आ गए हैं उनको मिटाने के लिए, हम ये नहीं कहते कि आत्मा को पाने के लिए, ब्रह्म को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए जो मैल लग गई है शरीर में वो धो लेना चाहिए। तो आपका मन शुद्ध है, सात्विक है, बड़ा पवित्र है, परंतु उसमें जो मैल लग गई है बाहर से उसको धोने के लिए थोड़ा प्रयास करना चाहिए। अब मन का मैल कैसे धुलता है तो देखो ना, कुछ मैल ऐसी होती है जो नींबू से छूटे, कुछ दही से छूटे, कुछ दूध से छूटे, कुछ सेंकने से छूटे, ऐसा है। उसके लिए भी तरह तरह की युक्ति होती है। अब आप मन का मैल छुड़ाने के लिए अभ्यास लीजिए। जोगी जुंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थितः, आत्मानम जुंजीत। उपनिषद कहती है कि आप अपने को जोड़िए, अपने को अपने से जोड़िए, आत्मानम युंजीत। आप पहले कभी एकांत में बैठे और सोचिए कि हम सब ख्याल छोड़ दें, कोई ख्याल हमारे साथ नहीं रहे, तो कुछ ख्याल ऐसे आएंगे जो छोड़ने पर भी नहीं छूटेंगे। कभी दुश्मन का ख्याल नहीं छूटेगा, तो कभी दोस्त का ख्याल नहीं छूटेगा, तो कभी रिश्तेदार नातेदार का ख्याल नहीं छूटेगा, कभी रोग का ख्याल नहीं छूटेगा। तो यदि आप बिल्कुल सब ख्यालों से अलग होकर बैठ सकें, आत्मानम जुंजी, तो अपने आप में बैठ जाइए। हम मुसलमान होते तो कहते खुदा खुदा बोलो, अल्लाह ताला बोलो, ईसाई होते तो बोलते कि गाड़ गाड़ बोलो,
है ना, वैष्णव होते नारायण नारायण, सीतारामी होते तो सीताराम सीताराम, राधा कृष्ण होते तो कृष्ण कृष्ण राधा कृष्ण। ईश्वर के बारे में आपके मन में क्या कोई ख्याल ऐसा है जिसको आप पक्का समझते हैं? तो ये संस्कार तो शास्त्र और सतपुरुष के द्वारा आया हुआ है, इसलिए आप उसको जल्दी नहीं छोड़ सकते, तो उसको पकड़िए। राम 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अच्छा बोलो भाई, हमारे मन में ईश्वर के बारे में कोई ख्याल नहीं है, तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। हाँ हाँ, कोई ख्याल नहीं है तो आप कोई ख्याल मत कीजिए, ख्याल छोड़ दीजिए। ख्याल में भी ईश्वर आता है, बेख्याल में भी ईश्वर आता है। सब ख्याल छोड़ देने पर जो रह गया तो ईश्वर है, हैं? और आपके ख्याल में जैसा राम कृष्ण शिव है, वैसा ख्याल आपने पकड़ के रखा, शिव 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 शिव, तो वैसा ईश्वर है। अच्छा, दोनों से आप एक ही नतीजे पर पहुंचेंगे। वो नतीजा क्या होगा कि जो दूसरा ख्याल आपको पराधीन बना रहा था, दोस्त का दुश्मन का है ना, रिश्तेदार का नातेदार का, वो ख्याल छूट जाएगा। एक ख्याल पकड़ोगे तब भी छूट जाएगा और सारे ख्याल छोड़ोगे तब भी छूट जाएगा, तो रागत द्वेष से आपको मुक्ति मिलेगी। बोले कि हम ख्याल छोड़ दिए अब सिद्ध हो गए, ऐसे सिद्ध रोज होते हैं और बिगड़ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए सिद्ध होते हैं फिर थोड़ी देर के लिए बिगड़ जाते हैं, वृत्ति टिकती नहीं है। ऐसे तो हजारों सिद्ध बनाए और बिगाड़ दिए। तो असल में जो ख्याल बनाने वाला है वो कौन है, और ख्याल छोड़ देने पर भी जो रहता है वो कौन है? तो मैं हूं। अरे भाई, मैं तो मच्छर भी जानता है, मक्खी भी जानती है, हाथी शेर कुत्ते भी जानते हैं, तो तुम वो हो जो ख्याल रखने पर भी रहते हो और छोड़ने पर भी रहते हो। तो बोले महाराज, ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव है, आप तो बिल्कुल अनुभव की बात कह रहे हैं। कहा, हाँ अभी हम वही बात कह रहे हैं जिसका तुमको अनुभव है, तुम्हारे अनुभव को दोहरा रहे हैं। तो तब यही जो तुम रहते हो, सो देश का ख्याल रहे कि न रहे रहता है, लंबाई चौड़ाई काल का ख्याल रहे कि न रहे रहता है, वस्तु का ख्याल रहे कि न रहे रहता है। तो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सर्वाधिष्ठान, सर्व प्रकाशक, स्व प्रकाश, ये अपना आत्मा है। तो आत्मानं जुंजी तक अर्थ है, अपने आप को ढूंढ निकालिए। बरेली के बाजार में झुमका गिरल रे, अरे बजे भी बज, हमारा जो झुमका है वो बरेली के बाजार में गिर गए। झुमका माने कर्णाभूषण, कान संसार में खो गए। हमारे गांव में गाते हैं वो, मोरा हीरा फहराए गए हो कचरे में, मोरा मेरा हीरा कचरे में खो गया, मेरा हीरा हराए गए हो कचरे में, कचरे में था तो हीरा पर वो कचरे में खो गया। ये जो जड़ वस्तुएं हैं, गंदी वस्तुएं हैं, आने जाने वाली वस्तुएं हैं, उनमें हमारा हीरा खो गया। तो आत्मानम युंजीत, अपने आप को ढूंढ निकालिए, आप अपने आप से मिलिए। आत्मानं गुंजीत का अर्थ है, और किसी से मत मिलिए, अपने आप से मिलिए। तो बोले कि भाई अकेले में तो डर लगता है, किसका डर लगता है? आप सच समझो, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको मार सकते, डरने का कोई कारण नहीं है। हमने एक बच्चों की कहानी पढ़ी, एक राक्षस एक बालक को रोज डराता था, हमारा ये काम करो ये काम करो ये काम करो, नहीं तो तुमको मार डालेंगे। तो बच्चे ने पूछा कि आप रोज कहाँ जाया करते हैं? काम तो कर देता था, पर पूछा आप रोज कहाँ जाते हैं?
बोले जमराज के पास जाते हैं। तो बोला कि तो जमराज से आप हमारी एक बात पूछ के आइए ना, हमारी उम्र कितनी है। तो ये क्या बड़ी बात है, हम पूछ के आवेंगे। पूछ के आया, बोला तुम्हारी उम्र 75 बरस है। उसने कहा बड़ी कृपा भगवान की, दूसरे दिन का एक काम हमारा और कर दीजिए। जमराज से कह दीजिए कि हमारी उम्र को या तो 74 बरस कर दें या तो 76 बरस कर दें, 75 हमको पसंद नहीं है। आपसे तो बहुत प्रेम है, आप करवा दीजिए। बोले हम ये करवा देंगे। अब वो गया महाराज, तो दूसरे दिन लौट के आया तो बोला कि जमराज ने कहा कि हम एक बरस नहीं, एक सेकेंड भी आगे पीछे नहीं कर सके। बोले बात पक्की है। तब तुरंत ही वह टूट पड़ा शैतान पर कि अब तुम हमारा क्या करोगे। कि जब हम 75 बरस से पहले मर ही नहीं सकते तो लो हम तुमको मारते हैं। और दांत से काटना शुरू कर दिया, नाखून से नोचना शुरू कर दिया, और वो हाथ पांव पटके महाराज की शैतान है हाथ जोड़ के भाग गया। ये तो कहानी पड़ी हो कहानी। तो आप बिल्कुल निर्भय हो जाइए, भूत प्रेत पिशाच कोई बाहर नहीं रहता है, सब आपके मन में रहता है। जिससे आप डरते हैं वो दूसरा कोई नहीं है, वो आपका मन है। लोग तो ये रोज लोगों की भीड़ में रहते रहते ये आदत पड़ गई है कि जब कोई ना हो शून्य में डर लगता है। संसारी लोगों को अद्वैत स्थिति में जाने में डर लगता है। अरे हाय हाय वहां कोई नहीं रहेगा, तो पहले जरा एकांत में रहने का मजा लीजिए, तब आप अद्वैत ब्रह्म में भी बैठ सकेंगे। ये उसका नमूना है, नमूना रहस्य स्थित। एक बात और, तो हम एकांत में तो बैठते हैं, थोड़ी सी जगह अपने घर में पलंग बिछाने की जगह है या बिस्तर लगाने की जगह है तो नीचे न सही, आले में सही, भीत पर सही, 2 फुट ईश्वर के नाम पर छोड़ दो कि यहाँ ईश्वर है। और जगह है पर हमारे, हम तो 2 फुट में देखेंगे। और 1440 मिनट में से 14 मिनट निकाल लो ईश्वर के लिए। 40 मिनट घरवे में छोड़ देते हैं, 14 मिनट निकाल लो ईश्वर के लिए, और 2 फुट जगह घर में निकाल लो ईश्वर के लिए, और जो चना तुम खाते हो वही ईश्वर को समर्पित कर दो। चाहे आला हो मस्जिद का, चाहे क्रास बना हो, चाहे बांसुरी वाला हो, चाहे धनुषधारी हो, चाहे त्रिशूल हो, चाहे चक्र हो, और चाहे कुछ ना हो, बिल्कुल शून्य हो। आप लोग साकार उपासना की ये बात तो शायद जानते ही होंगे। चिदंबरम में शंकर जी की मूर्ति कैसी है आपको मालूम है? एक माला लटक रही है आसमान में, माला। तो उस माला के बीच में जो आसमान दिखता है उसको शंकर जी मानते हैं। तो आप अपने दिल में एक माला लटकाइए और माले के भीतर जो आकाश दिखता है ना, माले के भीतर आकाश बिल्कुल शिवलिंग के समान, वो भूताकाश नहीं है, वो चिदाकाश है, स्वप्रकाश है, चिदाकाश है, अधिष्ठान रूप से सर्व देश में, सर्व काल में, सर्व वस्तु में वही है और वही सबके रूप में विवर्तित हो रहा है। अब जरा देखो ध्यान गया कि भाई सेठ लोग तो जैसा एकांत में रह सकते हैं ना, राजा लोग सेठ लोग वैसे तो बेचारे साधु रह ही नहीं सकते हैं, वो तो महाराज एयर कंडीशन में बैठ जाएं, है ना, 2-3-4 ताले के भीतर बैठ जाएं, कोई नहीं जाएगा। वैसे एकांत में बैठने से भजन हो जाएगा? बोले नहीं। आप देखो कहेंगे ओ हमारे रेलगाड़ी में हम गए थे ना, एक सेठ जी पुकारते, अरे ओ कलुआ। हाँ सेठ जी, जरा मैं भजन में बैठता हूं तो पंखा चल तो सही है। चंदन तू घिस दे
दिया तू जला दे, धूप बत्ती तू जला दे, है ना, मैं पूजा करता हूँ। अब लो महाराज एकाकी का अर्थ है। अब इसमें देखो पराश्रय तो तुम्हारा छूटा ही नहीं, पूजा कहां से होगी। स्वावलंबन से भगवान की जो पूजा होती है, स्वावलंबन से जो ईश्वर की पूजा होती है वो परावलंबन से नहीं होती है। एकाकी माने असहाय रहो, कोई मददगार नहीं है, तब ईश्वर का भरोसा जागेगा दिल में। इसका बड़ा भारी लाभ है आपको। एकाकी की बात आपको क्या सुनाऊं? एकाकी माने मन में हमें बाहर से किसी की सहायता पाने की जरूरत नहीं है। एकाकी का अर्थ होता है असहाय, एकाकी असहाय। चेला नहीं चाहिए, गुरु जी के साथ चेला जी नहीं चाहिए, सेठ जी के साथ नौकर जी नहीं चाहिए। वो पुजारी से जो पूजा करवाते हैं ना, उसमें पुजारी को पैसा देने का पुण्य होता है, वो और मन में श्रद्धा है तो श्रद्धा का पुण्य भी अपने मन में होता है। लेकिन अपने हाथ से जो पूजा है वो पूजा दूसरी होती है। एक हमारे मित्र थे, वो कहते थे कि हमको ईश्वर मिला दो, ईश्वर मिला दो, ईश्वर मिला दो, बहुत आग्रह करते थे। तो हमने दो चार महीने तक, वर्ष छह महीने तक कुछ सहा। एक दिन महाराज मैंने कह दिया कि कोई ईश्वर हमारा नौकर थोड़ी है कि कान पकड़ के लावे तुम्हारे सामने खड़ा दें कर दें और तुम ईश्वर को देख लो, है ना। कोई बच्चा थोड़ी है, कोई नौकर थोड़ी है, कोई हमारा बकरा थोड़ी है कि कान पकड़ के लावे कह दो ये ईश्वर। बोले तब आप नहीं करा सकते ईश्वर का दर्शन? मैंने कहा नहीं, हम तो नहीं करा सकते। बोले कि हमारी जिंदगी इसी बात पर टिकी हुई थी कि आप हमको ईश्वर का दर्शन करा देंगे, अब मैं जी के क्या करूं, निराश रहे। ओ महाराज थोड़ी देर छटपटाए, थोड़ी देर रोए, घंटे भर, दो घंटे, तीन घंटे। तो हमारे मित्र थे स्वामी स्वरूपानंद जी, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण मर जाएगा। आजकल वो शंकराचार्य नाम हो गया ना उनका, तो स्वरूपानंद जी का। तो बोले ब्राह्मण मर जाएगा, तो मैं गया समझाने के लिए, उनका सिर गोद में ले लिया। वो छटपटाए कि हमारा तो सब आसरा ही टूट गया। जब तक सब आसरा नहीं टूटता है ना, हमको जीव का आसरा है, हमको चीज का आसरा है। जब सब आसरा टूट गया तो हम वहीं बैठे ही थे, उनका सिर मेरी गोद में था, वो रो रहे थे। एक बानर आके खड़ा हो गया, बानर, और दो पांव पर खड़ा हुआ और एक हाथ ऐसे कर लिया और चुपचाप खड़ा। मैंने कहा जय हो जय हो जय हो, है ना। अब उनकी आंख खुली, देखा जय हो हनुमान जी खड़े हैं। ऐसा झट उठ के साष्टांग दंडवत किया। असल में हमारे मन में जो दूसरों का, संसार का जो सहारा है, ईश्वर कहता है कि जब इनको सहारा देने वाला मौजूद ही है, एक आके ईश्वर के मार्ग में अगर आपको चलना है तो आकिंचन्य और अनन्य गतिकत्व, ये शास्त्र में दो बात कहते हैं। दुनिया में मेरा कुछ है ये ख्याल छोड़ दीजिए, और बोले ये नहीं मिलेगा, ईश्वर नहीं मिलेगा तो ये करेंगे, तो दूसरा रास्ता भी नहीं है। एकाकी, यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, यत चित्तात्मा, अपने मन में अपने सिवाय दूसरे को मत आने दो। एक बात है, ईश्वर यदि आपका बाहर है तो आपकी वासना नहीं मिट सकती। यहां तो समत्व बुद्धि जो गाना है, सबके प्रति समता। और ईश्वर यदि आपका हृदय में है तो आप बाहर की वासना को छोड़कर केवल ईश्वर की वासना को ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आप ही हैं तब तो वासना की कोई जरूरत ही नहीं है। निर्वासन होने के लिए
आत्मचिंतन आवश्यक है। उससे पहले वासनाएं पकड़ में आते हैं। तो हम देखो, एक दुश्मन हमारे दिल में ऐसा बैठा है कि हम साथ छोड़ के अपने आप का चिंतन करना चाहते हैं, बार बार दुश्मन आके खड़ा हो जाता है। दुश्मन आके खड़ा होता है, दोस्त आके खड़ा होता है। एक हमारे मित्र हैं महाराज, वो एक अनुष्ठान कर रहे थे नर्मदा जी के पानी में, वो मचान बना के पानी के भीतर मचान पर रहते थे। 40 दिन का अनुष्ठान था, हनुमान जी को सिद्ध करना चाहते थे। तो उसमें नियम ये था कि हनुमान जी की ही याद बनी रहे, हनुमान जी की याद बनी रहे, दूसरे की याद ना आए। अब एक दिन क्या हुआ कि वो तो जंगल में रहते थे, नर्मदा नदी की धारा पर मचान बांध के ऊपर रहते थे। तो किसी चोर को ख्याल हुआ कि अपने साथ ये कुछ माल लेके रहते हैं। सो महाराज रात को आ गया, अब आ गया तो काला काला अंधेरे में, नंगे बदन, काला काला भूत सरीखा, जो आया तो जग गए, जग के देखा, अरे ऐसा डर लगा उनको कि वो चोर तो भाग गया, लेकिन अब वो हनुमान जी का ध्यान करने बैठे तो हनुमान जी का ध्यान ही ना हो, बस चोर ही चोर आवे दिमाग में, है ना। अब चोर का ध्यान, अब 38वां दिन, 39वां दिन, 40वां दिन, 3 रात उनकी चोर के ध्यान में बीत गई, हनुमान जी की याद ही ना आवे, तो बिगड़ गया ना अनुष्ठान, बिगड़ गया। यत चित्तात्मा, अपने मन को अपने शरीर को काबू में रखकर साधना करना चाहिए। निराशीर परिग्रह, अच्छा बहुत सामान रख लिया, एक सज्जन बैठ गए तो बहुत सारे नोट बिछा लिए और उसके ऊपर आसन लगा लिया, तो अब उनके मन में भरोसा नोट का है कि ईश्वर का है, ऐसे आ रहे। बोले ठीक है, हमारी तो अभी लॉटरी आने वाली है, आओ बैठ के भजन ही करें। तो लॉटरी आने की आशा रखकर जब भजन में बैठोगे तो तुम्हारा मन अपनी गहराई में नहीं जाएगा, ना आत्मा को देखेगा ना परमात्मा को देखेगा। निराशी अपरिग्रह, आशा भी ना हो और परिग्रह भी ना हो। एक बार दोनों हाथ उठा के चलो तो तब मालूम पड़े कि क्या क्या छूट रहा है। निराशी अपरिग्रह, सुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः, पवित्र स्थान में बैठे, स्वयं पवित्र होके पवित्र स्थान में पवित्र आसन पर, धरती भी पवित्र होनी चाहिए, गंदगी में बैठ के भजन नहीं करना, और आसन भी जो बिछावे वो खाने के लिए वही, सोने के लिए वही, भोग के लिए वही, ऐसे आसन पर नहीं। आसन ऐसा होना चाहिए कि उस पर बैठते ही ये ख्याल हो जाए कि अब हम भजन के लिए बैठ गए, उस जगह जाते ही मन में आवे। आज किसी ने बताया कि एक सज्जन का यहाँ कमरा है, उसमें भजन के सिवा दूसरा काम नहीं, पर कमरा ना हो तो कम से कम एक आसन तो हो, 2 फुट की जगह तो हो। अच्छा, भूमि शुद्ध, आसन शुद्ध, और बैठने का ढंग वो भी शुद्ध हो, हाथ पांव जरा ऐसे ढंग से करके बैठे जिसमें बार बार दर्द न होने लगे, दर्द न होने लगे, ऐसे बैठना चाहिए। और एक ऐसे कि जब बैठे तो जरा एक बार बोल दें कि हे संसार, अब हम तुमको हाथ जोड़ते हैं, तुमसे हमको कुछ लेना देना नहीं है, हम अपने परमेश्वर के पास, सत्य के पास, सच्चिदानंद घन के पास, अपने आत्मा में हम बैठते हैं, अब यदि हम लौट के नहीं आए तो हमारी कोई हानि नहीं है, हमको अपने प्रियतम के चरणों में उनकी छाती से लग रहे हैं, अपने प्यारे के धाम में जा रहे हैं, अपने प्यारे से मिल रहे हैं,
खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। तो जब भजन में बैठे हैं, ये हम लोग पहले गाते थे हो, ये जब काकोरी का षड्यंत्र केस हुआ था लखनऊ से थोड़ी दूर पर, रेलगाड़ी लूटी गई थी उस जमाने में, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी पर चढ़ने के पहले ये गाया था, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, मेरी प्यारी जन्मभूमि तुम खुश रहो, अब हम ईश्वर के पास जाते हैं। ऐसे महाराज बिल्कुल ईश्वर के पास जाने के लिए तैयार। निराशीर परिग्रह, तब आप देखो आपका आसन कैसा जमता है, अरे भाई जल्दी करो। हम एक बार इधर सिंघानिया बाड़ी में ठहरे थे, सन्यासी होने के पहले, माने 30 बरस से पहले 32 बरस से पहले, तो वहां 9 बजे से 10 बजे तक सुबह कीर्तन होता, ओ सत्संग होता था। तो शेख लोग आते तो खा पी के घर से आते कि 10 बजे वहीं से फिर बाजार में चले जाएंगे। तो महाराज जब 10 बजने में 5-1 मिनट बाकी रहता, तो ईश्वर कृपा से वहां घड़ी सेठों के पीछे लगी हुई थी और हमारे सामने, जैसे श्रोताओं के पीछे घड़ी हो ना, तो 5 मिनट बाकी रहते ही हमारे श्रोता घूम घूम के घड़ी की ओर देखने लगते। इसका अर्थ है कि उनको बहुत जरूरी काम है, और सत्संग करने तो आए हैं। और सत्संग कैसा होता है उसका नमूना बता मैं आपको। आगे कहते महाराज आज सत्य की, सत्य व्यापार की महिमा पर आप भाषण कीजिए। और वो पहले से सोच के आए थे कि आज जब सत्संग में से उठेंगे तो जाके क्या क्या बेईमानी करेंगे, है ना, सोच के पहले से ही सोच के आते और हमसे कहते कि सत्य की महिमा पर आपका व्याख्यान होवे। अब क्या असर पड़े भला। तो जब आपको चित्त में एकाग्रता लानी हो, ध्यान लाना हो, तो निराशी ही, आगे के लिए आशा न हो और साथ में बहुत सारा परिग्रह न हो। एक सज्जन है जो लखनऊ से आए वृंदावन में भजन करने, तो हमसे पहले जान पहचान थी और सीधे हमारे पास आए। तो 4 कुली भंगी पर शोभी, आगे पीछे दोनों तरफ, उनका सामान लाद के ले आए। बोले कि महाराज अब मैं एकांत में रहकर भजन करने के लिए आया हूं। अब 4 भंगी तो उनके साथ, इतना परिग्रह लेके भजन ने होता। निराशी परिग्रह सुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आप यदि गुरु का ध्यान करते हैं तो ध्यान करने जब बैठिए तो सोचिए कि गुरु के चरणों से एक अमृत का झरना झर रहा है और हमारे एक एक स्नायु में, कण कण में प्रवेश करके वो जो चरणामृत है वो हमको पवित्र कर रहा है। एक अच्छा गुरु का ध्यान नहीं करते हैं तो सूर्य मंडल से एक अमृत की धारा रश्मि किरणों के रूप में हमारे सिर में प्रवेश कर रहा है और ब्रह्मरंध्र में प्रविष्ट हुआ और सब की सब नस नाड़ी बिल्कुल स्वच्छ, मैं निर्मल हो गया। शंकर जी का ध्यान करते हैं तो आप देखें कि आपके सिर में शंकर जी तो बहुत है अपने शरीर में, ये जितनी सफेद सफेद हड्डियां हैं ना, उन्हीं की तो माला पहन करके शंकर जी रहते ही हैं। हड्डियों की माला पहन करके आप रहते हैं कि शंकर जी रहते हैं, ये तो विचार करना आप बाद में। आप भी हड्डियों की माला पहने हुए हैं, जब देह में मैं करके बैठे हैं, देह की खोल जब उड़े हुए हैं तो देह तो सफेद सफेद हड्डियों का ही तो है ना। ऐसा देखिए कि शिव जी के सिर से गंगा जी की धारा बह के हमारे शरीर में व्याप्त हो रही है। यदि आप शक्ति का ध्यान करते हैं तो आप देखिए कि आपकी जो पीठ की रीढ़ है उसमें एक बहुत सूक्ष्म, ये जो कमल का नाल होता है ना जिसका काट के साग बनाते हैं, सिंधी लोग तो बहुत पसंद करते हैं, तो उसको ठीक काटना ना आवे तो उसमें से एक सूत निकलता है, सूत वैसे एक उतना ही पतला सूत चम चम चमकता हुआ
हमारी पीठ के रीढ़ में और नीचे से लेकर ऊपर तक व्याप्त हो रहा है और फिर वो फैल गया और ऐसी शक्ति उससे निकल रही है, चमाचम चमाचम जगमग जगमग भीतर हो रहा है। और देखो आप पवित्र हो जाते हैं कि नहीं, बोलो ये सब तो हमसे नहीं बनता। करे तो मन ही मन गंगा जी में स्नान कर लो, लो मन ही मन गंगा जी में एक डुबकी लगाई, सब पाप ताप मिट गए, इतना सुगम है। पवित्र होकर बैठे स्थिरम आसनम आत्मनः, आसन में स्थिरता होनी चाहिए, सुख में स्थिरता हो, आसन में स्थिरता हो। असल में ये बात सब साधक नहीं जानते हैं, मन और शरीर ये दोनों दो चीज नहीं है, बिल्कुल एक ही चीज है, एक ही पंचभूत से शरीर भी बनता है मन भी बनता है। और शरीर और मन दोनों अलग अलग हैं, ये विवेक से तो हम सोच सकते हैं, लेकिन अनुभव की दृष्टि से थोड़ी देर तक पकड़ के अलग रख सकते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, जिसका चून उसका पून। तो अपने मन को पवित्र करने के लिए क्या करना चाहिए, शरीर को स्थिर होना चाहिए, शरीर भी स्वच्छ हो निर्मल हो और शरीर भी स्थिर हो। शरीर पूरा शरीर तो क्या, शरीर का अगर एक हिस्सा भी हम स्थिर कर सकें तो मन स्थिर होता है। केवल आंख की पलक स्थिर कर लें, पुतली स्थिर कर लें, जीभ स्थिर कर लें, हाथ स्थिर कर लें। बुढ़िया बाबा जी महाराज का कहना था कि यदि 3 घंटे तक मनुष्य का शरीर बिल्कुल नहीं हिले तो उसके मन की हठयोग की रीति से लगने वाली जो समाधि है वो बिना किसी प्राणायाम के, बिना धारणा के, बिना ध्यान के समाधि लग जाएगी। लेकिन ये नहीं कि आग की पलकें हिल रही हैं और मक्खी उड़ा रहे हैं, सर्वासनम आत्मना, बिल्कुल शरीर नहीं हिलना चाहिए। शरीर नहीं हिलेगा तो मन कैसे हिलेगा। स्थिरमासनमात्मनः, मन शरीर और वीर्य ये तीनों एक चीज होते हैं। शरीर को यदि हम स्थिर कर दें, हिलने ना पाओ, जरा ध्यान रखो, थोड़ी देर तक ध्यान रखो और हिलता नहीं है, हिलता नहीं है तो तुम्हारा मन भी नहीं हिलेगा, निष्पंद हो जाएगा मन, निष्पंद। प्राण स्पंद विधारणम, जहां स्पंद रुका और मन रुका। स्थिरमासनमात्मनः, नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। आसन बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए और बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए। बहुत ऊंचा होने पर ऊंचेपन का भाव उदय होगा शरीर में और बहुत नीचा होने पर नीचेपन का भाव उदय होगा शरीर में। नीचे होगा तो पानी वानी रह के वहां आ सकता है, बाधा डालेगा। ऊंचा होगा तो कभी गिरने पड़ने का भी डर होगा। इसलिए आसन में भी यदि आपको समत्व बुद्धि योग प्राप्त करना है तो आसन में भी समता होनी चाहिए। ऊंचा कि नीचा, न ऊंचा न नीचा, बराबर। हाँ, आसन भी सम होना चाहिए। नातिच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। धरती पर कुश बिछाना चाहिए, कुश का, कुश का आसन। तो क्यों, उसमें छेद रहता है ना, ऊपर नीचे जगह होती है, तो उसमें से हवा पास होती रहती है। तो शरीर और धरती जब एक होते हैं तो शरीर के बहुत से तत्वों को धरती खींचती है और गर्मी बढ़ती है। तो ये कुश जो है वो जब से ध्यान से पैदा होने वाली जो शक्ति है उसको कुश धरती में नहीं जाने देता। आप जानते हैं ना कि धरती पर या पत्थर पर पांव रख करके बिजली छुए तो वो धरती में चली जाती है और अपने प्राण को भी ले जाती है, और लकड़ी पर पांव रख के चट्टी पहन के
चट्टी पहन के, लकड़ी पखड़ाव पहन के बिजली को छुए, तो बिजली का करंट चूंकि धरती में नहीं जाएगा इसलिए आपके शरीर को भी नहीं खींचेगा। तो कुशासन चाहिए एक, और उसके ऊपर चाहिए मृगचर्म। मृगचर्म पर बिच्छू सांप कीड़े मकोड़े नहीं जाते हैं। अब आप उसमें शक्कर लगा दें तब तो बात दूसरी है। बिच्छू सांप ये सब मृगचर्म पर नहीं जाते हैं। अच्छा, और उसके ऊपर चाहिए कपड़ा कि नरम रहे। शैला जिन कुशोत्तरम तत्रई काग्रम मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्म विशुद्धये। आसन पर बैठकर आत्मयोग करना चाहिए। आत्मयोग माने अनात्म वियोग, जो हम दूसरों के साथ मिल गए हैं वहां से अलग होकर, अलग न होकर बैठना। ये अलग शब्द भी संस्कृत का ही है ना, अलग अलग न लगे। जो लगाव हो गया है ना दुनिया से, सारा लगाव छोड़कर बैठो, अलग होकर बैठो, अलग नम अलग नम। तो ये बैठ के करना चाहिए। वेदांत दर्शन में एक सूत्र है, ब्रह्म सूत्रों में एक सूत्र है, आसीन संभवात। भजन करना हो तो बैठ के भजन करो। वो बोले क्यों? तो देखो, लेट के भजन करोगे तो नींद आ जाने की संभावना रहेगी और पता नहीं चलता है भजन में। और 5 मिनट 10 मिनट के लिए नींद आ जाती है और फिर मालूम पड़ता है कि हम तो भजन में ही थे। और चलते चलते भजन करोगे तो सेठ जयदयाल जी ने बताया कि एक बार मैंने कहा भजन करना चाहिए, चलते चलते हो तो क्या आ रहे थे, तो गिर पड़े हो। 20-21 वर्ष की उम्र के थे, भजन करते करते चले वो गिर पड़े, गिर पड़े तो दांत में चोट लग गई। वो खुद अपनी बताते थे। तो खड़े खड़े भजन करो और कहीं तन्मय हो गए, शरीर की संभाल नहीं रही तो गिर जाओगे। तो इसलिए सो के भी नहीं, चलते हुए भी नहीं, खड़े हुए भी नहीं। यदि आपको अपना मन एकाग्र करना हो तो आसने उपविश्य, आसन पर बैठकर भजन करना चाहिए। उपविश्यासने युञ्जात्। कैसे? तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः। एक बात और आप सुनो, हमने ख्याली पुलाव बहुत पकाया। कहते थे कि सब खाने के लिए तो चाहिए थी रोटी, किराए के लिए चाहिए था पैसा, पहनने के लिए चाहिए था कपड़ा, चलने के लिए चाहिए था वाहन। दुनिया में तो सब चीजें चाहिए थी, और भजन करना होता तो सोचते कि आओ मानसिक कर लें। तो मानसिक भजन करने से भाव में जो ठोस पना आना चाहिए वो नहीं आता था, क्योंकि ठोस ठोस वस्तुओं पर और क्रियाओं पर हमारी पहले से श्रद्धा बनी हुई है ना। तो आपने तो सुना ही होगा ना, एक डॉक्टर के पास कोई रोगी गया, तो डॉक्टर ने कुर्सी पर बैठाया, जांच वांच करी, बोले कि देखो आपका ऐसा रोग है कि उसमें दवा की जरूरत नहीं है, हम मानसिक चिकित्सा आपकी कर देते हैं, अब बैठ जाइए कुर्सी पर। बैठ गया। थोड़ी देर डॉक्टर बैठ के मानसिक चिकित्सा करता रहा, सोचता रहा, रोगी को उसने छुट्टी दे दी। छुट्टी दे दी, रोगी जाने लगा। तो डॉक्टर ने कहा हमारी फीस। बोले कि तुम्हारी मानसिक चिकित्सा हमारी मानसिक फीस, लो मन की फीस। अब महाराज डॉक्टर क्या करे। तो असल में केवल मानसिक, जिस आदमी को रुपए में आस्था है, जिस आदमी को भोग में आस्था है, जिस आदमी को ना, वो कहता है कि मानसिक दान करते हैं, खुद तो कमा के ले आता है घर में और मानसिक दान से संतोष करता है, तो उसको कभी संतोष मिल नहीं सकता। संतोष तो तब मिलेगा कि जिस स्तर में तुम हो उस स्तर का काम करो। मानसिक भोजन से भूख नहीं मिटेगी,
क्योंकि तुम देह में बैठे हो, हड्डी मांस चाम में बैठे हो, भूख लगती है शरीर में तो शरीर को भोजन देना पड़ेगा, और दान करना पड़ता है दूसरे को तो रुपया देना पड़ेगा। तो ये है कि अपने मन को एकाग्र करने के लिए यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, चित्त और इंद्रिय और क्रिया, मन ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय, अथवा मन की क्रिया और इंद्रिय की क्रिया, दोनों को संयम में ले आओ। संयम में लाने का अर्थ क्या होता है? योग दर्शन में संयम शब्द का एक खास अर्थ होता है। ये अपने आप कोई व्याकरण पढ़ेगा ना, पंडित पढ़ेगा ना, तो उसके समझ में नहीं आ रहा। व्याकरणाचार्य भी पढ़े और उसको योग शास्त्र का ज्ञान नहीं हो तो संयम का अर्थ उसकी समझ में नहीं आएगा। व्याकरणाचार्य हो, साहित्याचार्य हो, ये तो अपनी अपनी साधना के शब्द होते हैं। त्रयम् एकत्र संयमः, जब एक ही वस्तु में, अपने लक्ष्य वस्तु में धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा माने लक्ष्य देश को छोड़कर अन्यत्र मन न जाए, और ध्यान माने इतने काल पर्यंत मन न जाए, और समाधि माने वस्तु के आकार को या निराकार को छोड़कर मन अलग न जाए। ये योग दर्शन की रीति। एक तानता में प्रवाह है और देश बंधस चित्तस्य, धारणा में देश है, और समाधि जो है अर्थ निर्भास मात्र है। तो नारायण, अब ये आपको क्या सुना है? आप सब लोग तो सिद्ध और अभ्यास गुरु से सीखना पड़ता है। एक हम अब बता जाएंगे, एक कल दूसरा बताया जाएगा, एक परसों तीसरा बता जाएगा, तो आपका मन गड़बड़ा जाएगा। अच्छा, आप कल इस पर चर्चा करेंगे।